हेलो दोस्तों आई एम सी ए प्रवीण गुल्छा डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आउट हो चुका है सबसे पहले जिन लोगों ने इसको पास किया है उनको बहुत बहुत बधाई क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार का रिजल्ट बहुत ही टफ रहा है कई सालों बाद ऐसा लगता है कि इतना बुरा रिजल्ट आए बौद्ध रूप में फाइव ग्रुप वन में थर्टीन ग्रुप टू में ट्वेल्व बहुत ही डाउन रिजल्ट रहा है लेकिन आज का जो वीडियो है वो मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिनका किसी वजह से जिनका सक्सेस नहीं हो पाया तो उनके ऊपर मैं एक पूरी कंप्लीट प्लानिंग आपको देने वाला हूं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आपके मन में जो भी विचार चल रहे होंगे जो भी क्वेश्चन चल रहा होगा उनका आंसर आपको जरूर मिलने वाला है चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि सर मैं बोध रूप अपियर हुआ था और आ, लेकिन मैं फेल हो गया तो अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे बोध रूप फिर से देना चाहिए कि मैं एक ग्रुप दूं तो दोस्तों ये पूरा पूरा डिपेंड करेगा कि आपने बोध रूप में कितने मार्क्स स्कोर स्कोर किए किए अगर आपने 360, 360, अगर स्कोर मतलब 360 370 370 नंबर मतलब या उसके ऊपर अगर स्कोर किया ना इसका मतलब आप ये आप ये मान सकते हो कि बोध रूप आपकी तैयारी थी पर अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बहुत कुछ कमियां रह गई होगी उसकी वजह से आप फेल हुए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बोध रूप में लगे रहो आपके पास सौ दिन का टाइम है अभी आपको सौ दिन की पूरी प्लानिंग देने वाला हूं देखते रहिएगा लेकिन अगर आपका मार्क्स उससे कम आ रहा है आपका मार्क्स तीन सौ तीन सौ दस कम ये सब अगर आ रहा है इसका मतलब ये मान के चलना कि आप बोध रूप की आपकी तैयारी नहीं है और तीन महीने में नहीं हो पाएगी तो उस केस में आपको एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाना चाहिए अब कौन सा ग्रुप में शिफ्ट होना चाहिए तो नेचुरली जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा है जिसके आप जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है ठीक है तो और एक गलती मत करना अगर आप एक ग्रुप में शिफ्ट करेंगे तो आराम के लिए समय नहीं है अभी मैं आगे प्लानिंग देने वाला हूं कि आपको कितने घंटे कैसा काम करना है ओके चलिए नेक्स्ट पता अगर आपने एक ग्रुप दिया और आप फेल हो गए और ग्रुप वन देने के बाद आपने ग्रुप टू की क्लासेस चालू कर दी तब क्या करना है और क्लासेस नहीं चालू की तब तो बात ही खत्म अगर क्लासेस चालू नहीं किया है तब तो आपको ग्रुप वन वापस देना है प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन आपने ग्रुप टू की क्लासेस चालू कर दी तो आपका सोचने का तरीका क्या होगा तो दोस्तों आपको यह असेस करना है कि आपके ग्रुप वन के मार्क्स क्या है अगर आपके ग्रुप वन के मार्क्स 170, 180 वगैरह आए मतलब वन सेवनटी अब आए ना तो इसका मतलब ग्रुप वन आपका तैयार है थोड़ी बहुत कमी रह गई चलेगा तो उस केस में और हाँ ग्रुप टू की जो क्लासेस आपकी चल रही है वो आपकी बढ़िया चल रही है अभी तक जितनी भी, भी अच्छी है और मान लीजिए एक आध महीने में ने आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है ग्रुप टू का और आपको लगता है कि ग्रुप टू मेरा बढ़िया चल रहा है तो उस केस में आप बोथ में आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को लेकिन आपको लगता है कि ग्रुप टू की मैंने जो तैयारी अभी की है क्लासेस चल रही है लेकिन मैंने इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की है मैंने ध्यान नहीं दिया तो उस केस में ग्रुप टू को तुरंत छोड़ देना और ग्रुप वन में शिफ्ट कर देना लेकिन एक और ऑप्शन है आपके पास अगर आपका ग्रुप वन में ही बहुत बुरे मार्क्स आए बहुत बुरे का मतलब वन से कम 170, 150, 100 हंड्रेड ऐसे कुछ मार्क्स आए और ग्रुप टू की आप तैयारी आपकी चालू हो चुकी है और वो आपको लगता है कि इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं मेरी अच्छी क्लासेस चल रही है तो उस केस में ग्रुप वन ड्रॉप कर देना ग्रुप टू अभी क्लासेस कंप्लीट करो और ग्रुप टू को फेस करना ग्रुप टू को आपको अपियर करना है तो ये प्लानिंग आप रखिएगा

एक 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 हफ्ते हफ्ते में में सब्जेक्ट सब्जेक्ट बस ये प्लान करना है एक में एक सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका, 28 28, सेकंड सेकंड आपका मतलब खत्म हो जाएगा ग्रुप टू फोर्टीन डेज में और थर्डन एक तीसरा आपको करना है। और ये जो तीसरा रिवीजन है ना ये आपको हर सब्जेक्ट में दो दो दिन क्योंकि आप एग्जाम में दो दिन मिलता है ना आपको तो वैसा ही आपका थर्ड डिविजन होना चाहिए टू डेज का तो इस तरीके से आप हंड्रेड डेज के प्लान को डिवाइड कर लीजिएगा और अगर आपका केवल एक ग्रुप है तो उस केस में ये जो मैंने आपको शेड्यूल बनाया है आपके पास डबल डबल टाइम है, तो आप टाइमिंग को कर सकते हो उसके अनुसार ठीक है उसके, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल बनाइएगा मेन जो शेड्यूल की प्रॉब्लम होती है वो बोध रूप वालों के लिए रहती है इसलिए मैंने कंप्लीट एक रिटर्न प्लान बना दिया ओके तो उस तरीके से आपको तैयार करना है और हाँ अब स्टडी ओवर कितना होना चाहिए

ठीक है और भिड़ जाना है ओके तो आपको 12 से 14 घंटे का स्टडी ओवर आपको तुरंत स्टार्ट करना है तुरंत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि सर मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट करूं तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं केवल एक ग्रुप देने वाले तो आप दिन में दो सब्जेक्ट ले सकते हो या कई ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जो जिनको लगता है कि हम चारों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो आप चारों रख सकते हो मतलब दो से लेकर चार सब्जेक्ट का आपकी जैसा पैटर्न उसके अनुसार आप कर सकते हो

पहले के तीन घंटे में ये पढ़ूंगा फिर मैं ये पढ़ूंगा फिर ये फिर ये मतलब आपका स्टडी का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए आपका ब्रेक का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए आपको यह पता रहना चाहिए कि, कि कब मैं क्या करने वाला हूं तो रिटर्न प्लान बनाना बेटा और उसको फॉलो करना <clears throat> और जो फेल होने की बहुत सारी वजह में एक वजह यह होती है बहुत स्टूडेंट से भी बात होती है वो बोलते हैं सर हमने मॉक टेस्ट नहीं दिया भैया अगर आप कोई बड़े टूर्नामेंट में खेलने जाने वाले हो और बिना प्रैक्टिस के लिए चले जाओगे तो क्या होगा उस टूर्नामेंट में ठीक है तो आपको जरूर से मिनिमम एक मॉक टेस्ट देना है लेकिन कोशिश करना है कि आपको दो मॉक टेस्ट अपियर करना है आप एक दो मॉक टेस्ट अपीयर कर लोगे ना तो आपके पूरे दिमाग में सेट रहेगा कि मुझे कैसे कैसे पेपर आते हैं मैं तीन घंटे में लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ पहला मॉक टेस्ट देने से क्या होता है बेटा अपने को वीकनेस पता चलती है तो दूसरे मॉक टेस्ट में फायदा ये मिलेगा कि आप उस वीकनेस को दूर कर पाओगे और फिर जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होने की भरपूर संभावना है तो इसको जरूर से इसको दिमाग में रखिएगा मॉक टेस्ट मस्ट बी अपीयर्ड प्लीज़ 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 अगला पॉइंट है नोट चेंज मत करना ध्यान रखना आप जिस टीचर से पढ़े आप उसी टीचर के नोट्स को फॉलो करो और कोई सब्जेक्ट में अगर चेंजेस आ गए होंगे वैसे तो एक अच्छी बात क्या है अभी नवंबर एग्जाम में आपका इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं आता जो मे में रहता है आपने अपडेटेड पढ़ा है वही आपको नवंबर में एप्लीकेबल है जीएसटी भी वैसे ही रहता है तो ध्यान ही रखना है कि नोट्स मत बदलना कई लोग क्या करते हैं एक बार इस नोट से पढ़े अगले बार दूसरे टीचर के नोट से पढ़ दिए या कोई दूसरा बुक से पढ़ दिए ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है आप उन्हीं टीचर का अपडेटेड नोट्स मंगवा लो और उसी से पढ़ो टाइम बचाना अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हमको क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए क्या तो वैसे तो हम लोग कोचिंग वाले लेकिन मैं ये फॉर्म बिलीव करता हूं कि अगर अगर आपकी पढ़ाई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको केवल ऐसा लगता है कि मेरे के अंदर कमी रह गई थी मैंने टेस्ट नहीं दिया आ, मैंने रिवाइज नहीं किया है ना मैंने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं किया तो अगर आपको लग रहा है क्लियर कट है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल क्लास नहीं लेना चाहिए सबसे बेस्ट होता है सेल्फ स्टडी क्योंकि एक बार आप क्लासेस ले चुके हो तो दूसरी बार क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हाँ क्लास की जरूरत कब पड़ेगी आपको टीचर की सपोर्ट की आवश्यकता कब पड़ेगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है अगर आपको लगता है मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया बिल्कुल मत सोचना फट से कोई भी क्लासेस आप लगा लो ठीक है उसमें क्या होगा क्योंकि अगर आप गलत कॉन्सेप्ट से आप फिर एग्जाम दोगे तो वही होगा जो हुआ है क्योंकि आप गलत ही समझ के आ रहे हो तो आप हर बार वही आंसर दोगे तो ये अच्छा ये कैसे पता चलेगा आपके कॉन्सेप्ट आपके मार्क्स को देखकर तो अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो तुरंत स्ट्रेटेजी चेंज करना आप जरूर से क्लास लो और आप अपनी तैयारी चालू कर दो कॉन्सेप्ट बिल्ड करो तैयारी चालू करो और हाँ कई बार क्या होता है अपना

आपको जिस पे भरोसा है आपने जिस टीचर से पढ़ा है उसके जितने भी सपोर्ट आ रहे हैं आपको एकेडमिक सपोर्ट आ रहे हैं उनको देखिए ठीक है लेकिन बाकी को बिल्कुल मत देखिए जितना ज्यादा अलग अलग टीचर का देखोगे ना सबका पैटर्न अलग होता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये गलती मत कीजिएगा प्लीज और दोस्तों क्या होता है कि खाली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता अपन बैठे हैं स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग के अंदर दिमाग के अंदर अपना रिजल्ट घूम रहा है अपनी नाकामी घूम रही है अरे यार यार फेल हो गया ऐसा बार बार घूम रहा है ऐसा लग रहा है अरे यार, यार ये पास हो गया मैं फेल हो गया अरे मेरे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे पापा मम्मी क्या सोचेंगे दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना हर सक्सेसफुल आदमी कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा सक्सेस 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 ऐसा कुछ नहीं होता फेलियर आती आती है तो फेलियर हो इस चीज को जितना हो सके एक्सेप्ट कर लो कि भाई फेल हो गए कोई बात नहीं रोना है रो डालो है ना बात करना बात कर डालो लेकिन हाँ एक चीज जरूर बोलूंगा कि जब रिजल्ट अभी आपका नेगेटिव आया ना तो आपको जरूर से अपने जो भी टीचर्स हैं उनसे जाके मिलना चाहिए आपके कोई दोस्त हैं उनसे जाके मिलना चाहिए लेकिन कौन से दोस्त कौन से टीचर जो आपको मोटिवेट करते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं जो आपको सही सलाह देते हैं उनसे मिलिए हो सकता है कि मिलने के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा आपकी प्लानिंग बदल जाएगी स्ट्रेटेजी बदल जाएगी ठीक है लेकिन खुद अंदर घुटना नहीं है बेटा अपने अंदर की जो जो भी चीज है ना उसको फट, -फट, फट आज ही बाहर निकालो और कल से बिड़ जाओ तैयारी में सोचने से कुछ नहीं होता करने से सब कुछ होता है आप फेल हुए मतलब मान के चलो कि गलती honestly, honestly, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो लिखिए कि मैंने ये गलती की ये गलती की एक दो तीन चार पांच गलती की मैं दिन भर लगे रहता था इंस्टा में ऐसा 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 घुमाते रहता था गलती को एक्सेप्ट करना सीखिए और ये अपने आप से प्रॉमिस कीजिए इस अटैम्प में कुछ हो जाए मैं गलती नहीं करूंगा क्योंकि बेटा फेल होने पे दुख तो बहुत होता है क्योंकि मेहनत तो हम करते ही करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रहती है है ना ठोकर मिलना भी जरूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो ये मान के चलो आपको ठोकर मिली है तो प्लीज़ नोट कीजिएगा कि आप क्या क्या गलती नहीं करोगे इसको नोट कीजिएगा और उसके ऊपर वर्क कीजिएगा एक्शन लीजिएगा केवल प्लान करने से काम नहीं चलेगा और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सोशल मीडिया को दे दो तलाक 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 क्या मतलब है बेटा ये चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते आपको लगेगा मैं दस मिनट देखूंगा पंद्रह मिनट देखूंगा बस आधा घंटा देखूंगा उससे आधा नहीं ऐसा होता नहीं है बेटा ये क्या होता है जो मोटिवेशन रहता है ना हम लोग जो देते हैं टीचर्स वो दो दिन तीन दिन आपके साथ रहता है फिर भूल जाओगे आप फिर लग जाओगे खट 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 करने रील देखने उसका एक ही तरीका है कई चीज झटके से खत्म होती है आपको सोशल मीडिया को कर लेना है अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल बिल्कुल कर लो मेरे को, को सब्सक्राइब करना है तो आप केवल एक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो बस बाकी टीचर से कोई मतलब नहीं बाकी मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है अभी तीन महीने बेटा ध्यान रखना तीन महीने एकदम सन्यासी बन जाओ अपनी दुनिया के अंदर चले जाओ तब तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और नहीं तो फिर रिग्रेट होगा और समय बेटा जाते जाता है ध्यान रखना एज बढ़ते आती है हर चीज आगे बढ़ते जाती है तो इस बार जो हो गया अगले बार के लिए इस चीज को अप्लाई करना अभी अब डिलीट अब भी, अब भी कर लो सब गायब कर दो नहीं चाहिए हमको ये सब तीन महीने बाद मिलेंगे इनसे और हां एग्जाम देने के बाद ना एग्जाम देने के बाद हफ्ते भर तक केवल सोशल मीडिया देखते रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आपकी जो कमी थी ना वो समय पूरी कर लेना और एक काम जरूर करना आपका आ, आपको मालूम है आईसीआई में सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा सकते हैं अपना पेपर जरूर मंगवाइए इससे दो फायदे होंगे एक तो अगर आईसीआई ने कोई गलती की होगी तो वो आपको पता चल जाएगा मतलब आपका जो रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है ये एक फ़ायदा है हालांकि चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ये पता चलेगा कि मैंने कहां पे गलती की है तो गलती का पता लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी कॉपी ले जाके अपने टीचर्स से मिलिए उनसे डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों से मिलिए उनसे डिस्कस कीजिए ओके okay. और जो भी गलती है वो पता चलेगा पता होना जरूरी है कि भाई मैंने प्रेजेंटेशन सही नहीं किया तो ये कॉपी जरूर मंगवाइएगा बहुत फायदा मिलेगा आपको और एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम लोग इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप से हम लोग क्लासेस देते हैं तो अभी जो हमारा लेटेस्ट जो अभी हमने कंप्लीट किया बैचेस जो भी हम कंप्लीट करें तो उनकी फीस बहुत ही नॉमिनल रेट पे हमने रखी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको जितना हो सके सपोर्ट करें तो ग्रुप वन की फीस सोलह हज़ार रुपये ग्रुप टू की चौदह हजार रुपए और यह आपको विथ मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल के मॉड्यूल से आपको पढ़ना है तो ये मैं ऊपर में नंबर है डबल नाइन टू सिक्स एट टू वन ट्रिपल जीरो तो इसमें आप कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं और जो एक्सेल स्टूडेंट है उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है आप एक्सेल के स्टूडेंट आप एक्सेल ऑफिस में आप पता कर सकते हैं क्या डिस्काउंट है आपके लिए एक्स्ट्रा और जाते आते जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है तो इस बात को याद रखना बेटा हार गए कोई बात नहीं लेकिन अब जीत आपका इंतजार कर रही है और नवंबर अटेम्प्ट आपका वेट कर रहा है ओके तो आपकी जीत पक्की है बेटा विद द ऑल बेस्ट विशेस पूरी एक्सेल टीम हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सपोर्ट करें और हमारे भी मैराथन लेक्चर्स वगैरह या रिविजन लेक्चर्स हम लोग अपलोड करेंगे तो अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा तो जरूर से देखिएगा और लगता है कि कोर्सेज की आपको जरूरत है जरूर, जरूर देखिएगा और ये जितने भी Uh, आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट को फायदा मिल सकता है तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा ओके और अगर आपको टिप्स पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे बहुत से वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं थैंक यू